हेलो सर, हेलो। नमस्कार। आदाब जी, बताएं। मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छी बात करते हैं। मुझे सर सिर्फ एक चीज पूछना है सर, जैसे कि जिस तरह से आप इस्लाम को बताते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, उसे काफी पीसफुल रिलीजन लगता है। लेकिन सर, पूरी दुनिया में देखा जाए तो जैसे कि जो समस्याएं होती है टेररिज्म को लेकर, जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि मुस्लिम्स की ही मेनली बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है कि इन टेररिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे आ रहा है? ये क्या मुस्लिम कॉन्सेप्ट, ये लोग ये मतलब इस्लाम कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या है? कुछ समझ में नहीं आता इस चीज को, इस चीज पर अपना मुफ्ती साहब, प्रकाश इनके डालें। एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इनको एक करेक्शन कर दूं कि आपने जो ये बात कही है ना कि टेररिज्म जो है वो ज़्यादातर मुसलमान करते हैं या मुस्लिम यानी कि इन्फ्लुएंस्ड लोग होते हैं, इस्लामिक इस्लामिक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, ये फैक्चुअली गलत है। ठीक है, ये बात गलत है कि टेररिज्म ज़्यादातर मुसलमान करते हैं। हाँ, कुछ टेररिज्म के एक्टिविटीज़ है जो मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये बात अब रखें, फिर आगे इंशाल्लाह हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो मतलब कैसे नॉन मुस्लिम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। आप डेटा उठा लें ना दुनिया का, जो आप यूएसए का डेटा उठा लें, आप इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएं जहां इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेररिस्ट की लिस्ट दे रखी है उसमें से आधे भी नहीं है मुस्लिम, जिसका नाम जो है आपको यानी कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे लगते हो। आई थिंक ये 52 या 53, यानी इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने 52 या 53 ऑर्गेनाइजेशन को अंडर टेररिस्ट एक्ट जो है वो दे रखा है, उसमें से जो आधे से भी कम मुसलमानों के, तो ज्यादा तो यानी कि गैर मुस्लिमों के है ना, नॉन मुस्लिमों के है ना। अच्छा, ये जो लाल सलाम वाले अटैकर्स हैं जो बिहार और झारखंड वगैरह में और इसी तरीके से उड़ीसा में हैं, क्या आप उनको टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल, जो भी मतलब कि अगर मानते हैं ना? तो अगर दूसरे आप दूसरे अगर एक आप सेकंड सर, अगर आप उनको देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि उन्होंने इंडिया को जितना नुकसान पहुंचाया है ना, वो ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। जितना उन्होंने जाने ली हैं लोगों की, और छोटे मोटे लोगों की नहीं, पुलिस, आर्मी, और जनाब छत्तीसगढ़ में तो पूरी कांग्रेस पार्टी की पूरी कयादत ही निमटा दी थी। वो सारे मुसलमान नहीं थे, वो सब हिंदू थे। और मतलब अभी देखेंगे जो हमारा एनुअल ईयरली डेटा है इंडिया का, कि जिसमें जी, वायलेंस रेट जिससे ज्यादा हो रही है वो नक्सलिज्म है, ना कि यानी कि जिसको सो वही कॉल्ड वही मैं कह रहा, इस्लामिज्म कहा जाता है। इसी को मैंने कहा। तो नक्सलिज्म जो है आज भी ज्यादा यानी कि डेथ के कॉजेज हैं, लेकिन उसको उसको नहीं किया जा रहा उस तरीके से, कहीं खबर नहीं पड़ रहा आप। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो है, जो स्टेटिस्टिक्स हैं टेररिज्म के ऊपर, उसमें ये कि 2013 में, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 9 साल पहले की, देयर वर 152 टेररिस्ट अटैक्स इन यूरोप, ओनली टू ऑफ देम वर रिलीजियसली मोटिवेटेड। तो 152 टेरर अटैक में दो रिलीजियसली मोटिवेटेड थे। अगर हालांकि इसमें इस्लाम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चलो मैं इसको इस्लाम के मुसलमानों के खाते में डाल दो, तो 152 अटैक्स में से दो मुसलमानों ने किए, तो भैया 150 किसने किए? जी, और FBI का जो डेटा है अमेरिका का इंटरनल, उसके अकॉर्डिंग 96% जो अटैक हुआ है 1980 से लेके अभी तक, वो जी, 96% जो है वो गैर मुस्लिमों ने यानी कि नॉन गैर मुस्लिम मुस्लिमों ने लोगों किए। ने किए हैं। जी, एग्जैक्टली, इसी 96 तरीके से परसेंट मैं आपको एक और रेफरेंस बता देता हूं, यूरोप का ही बता रहा हूं। बिटवीन 2006 एंड 2010, मेंबर स्टेट्स रिकॉर्डेड 2,131 टेररिस्ट अटैक्स इन द EU एंड ओनली 8 वर इस्लामिस्ट। 2006 से लेकर 2010 तक जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर मुमालिक हैं, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया 2,131 टेररिस्ट अटैक, जिसमें से सिर्फ 8 इस्लामिस्ट ने किए थे इस डेटा के मुताबिक। फॉर दोज ऑफ यू कीपिंग स्कोर, दैट मींस मुस्लिम टेररिस्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्ज 0.3% ऑफ EU टेररिज्म ड्यूरिंग दोज ईयर। सो ओनली 0.3% टेररिज्म अटैक्स जो है, या टेररिस्ट अटैक्स, वो मुसलमानों के खाते में आप डाल सकते हैं, ठीक है, अगर डालना है। ये तो यूरोप में हो गया। अच्छा, अमेरिका का बता देता हूं मैं आपको। 19 इसमें अप्रोक्सीमेटली 60 वर कैरिड आउट बाय मुस्लिम्स। इन अदर वर्ड्स, अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑफ ऑल टेररिस्ट अटैक्स ऑन US सोइल बिटवीन 1970 एंड 2012 वर कैरिड आउट बाय मुस्लिम्स। दिस इज ए टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ ऑल अटैक्स।
1970 से लेकर 2012 तक जितने अमेरिका में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, अगर आप मुसलमानों के खातों में वो 60 अटैक्स डाल दें तो 2.5% बनते हैं। ये तो हमारी जकात है ये जकात का निसाब है। तो जी साहब, ये बेसिकली एक मिथ है जिसको हम तो, ये आप जिस बेस पे बात करना है वो बेसिक गलत है जी। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जो टेररिज्म और इस्लाम या मुसलमानों का जो है एक लिंक आमतौर पे माना जाता है वो ही गलत है, सिरे से गलत है वो। अब आगे बात कर सकते हैं जी, अब बोले हाँ, डेटा जो आपने दिया है उसको तो मैं देखूंगा, वेरीफाई करूंगा। जी जी, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एफबीआई के, आपको इस पे, आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ पूरा, ठीक है, यूएसए गवर्नमेंट की ना, government.in का पूरा काउंटर टेररिज्म के नाम से पूरा वेबसाइट है, जिसपे वो हर दिन जहाँ जहाँ होते हैं वो सबको रिकॉर्ड किया जाता है, सारा डेटा उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, एक एक डेटा भी दुनिया में वायलेंट एक्टिविटीज और टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, तो आप उस पे जाके भी वेरीफाई करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। बट सर ये बताइए कि आखिर टेररिस्ट और मेसंस इतने फिर भी मुस्लिम्स के इस्लाम के हैं, आखिर वो क्यों है सर, इसके बारे में कुछ अपना प्रकाश डालें। नहीं, एक तो मुझे आप ये बता दें कि चलिए मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप टेररिज्म को जरा मुझे डिफाइन कर दीजिए। वही मतलब कि लोगों के अंदर कोई भय उत्पन्न करना, राइट, टेररिज करना उनको। ठीक, भय उत्पन्न करना, टेररिज करना। अब देखें, इंडिया में मुसलमानों को ये शिकायत है कि आरएसएस ने बहुत टेररिज किया हुआ है, क्या आप आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? आरएसएस ने तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं कि उसने कभी बॉम्बिंग किया है या नहीं किया है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, बट जिस तरह से मतलब कि इंडिया में ही जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे जैसे मोहम्मद है और भी कुछ कुछ हैं, तो चले हमने चले मैंने मैंने उनको मैंने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया चूंकि उन्होंने इंडियंस के दिलों में भय उत्पन्न किया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के 20% लोग ये कह रहे हैं कि हमारे दिलों में ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसका नाम आरएसएस है, वीएचपी है, संघ परिवार है, इन्होंने भय उत्पन्न किया हुआ है, तो क्या आप किस डेफिनेशन के मुताबिक उनको टेररिस्ट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो सर सिर्फ भय उत्पन्न करने से नहीं होगा, कुछ एक्शन भाई, ये तो आप ही ने, ये तो आपने कहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा ठीक है, ये तो आपने बोला। अच्छा ठीक है, तो आप हो सकता है, चलिए इसको मैं फिर आप इसको अभी करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ भय उत्पन्न करने से नहीं होगा, हो सकता है उस एक्शन दिखना भी चाहिए, जो कि जो मान लीजिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक्शन कर देते हैं। हाँ, मैं उस चीज का इंकार नहीं कर रहा हूँ, हम किसी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे, हम तो हमेशा कंडेम करेंगे, और आज नहीं कंडेम। मैं आईसिस की मिसाल लेता हूँ, 2015 की मेरी स्पीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है कि जहां मैंने आईसिस के खिलाफ स्पीच दी थी, और वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ठीक है। और आपको लगे, आपको मैं बता दूं कि जो जितने भी क्रेडिबल मुस्लिम स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया के, उनमें से आज तक किसी ने आईसिस को जस्टिफाई किया ही नहीं। सबसे ज्यादा कंडेमनेशन हमारी तरफ से है और पहले दिन से है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सर एक ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए मुस्लिम इस्लाम का भी, जो कि आपको बताऊं दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म को कंडेम करता है वो मुसलमान ही है और मुस्लिम स्कॉलर है, ठीक है, ये जो मदरसे के लोग है ना, जिसको मदरसे के लोग आप कहते हैं, वही सबसे ज्यादा कंडेम करते हैं। और एक मिनट सुने तो, पूरी बात सुने ना, और इस पे सिर्फ कंडेमनेशन ऐसा नहीं है कि बोल देते हैं कहीं, ये बाजाबता रिकॉर्डेड आती है, और इनपे सबसे ज्यादा किताबें भी जो है इनके कंडेमनेशन में इन्होंने लिखी है। भाई अब इनके बस में जितना है वो उतना ही करेंगे ना। अच्छा, आप ये तो जानते ही होंगे कि फतवा जो है वो कितना कितनी अहम चीज है मुसलमानों के यहाँ, जानते ही है ना, फतवे का लफ्ज सुना है आपने या नहीं सुना? सुना है ना। अच्छा, अब आप गूगल कर लें, आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूं मैं, 2008 में दियोबंद ने टेररिज्म के खिलाफ फतवा दिया हुआ है, ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ। पूरा कॉन्फ्रेंस किया था शायद उन्होंने, पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी दियोबंद में पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे इंडिया के जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो आए थे, उसकी वीडियो भी मौजूद है, वो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है।
तो जो कोशिशें हम लोग कर सकते हैं वही तो करेंगे ना। तो अब आप ये कहें कि नहीं कुछ लोग चूंकि खराब हैं लिहाजा सब लोग खराब हैं, क्या ये चीज दुरुस्त है? और मुसाब इसमें और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि टेररिज्म का जो सीधा ताल्लुक होता है वो पॉलिटिक्स से, हर कोई जानता है, लेकिन कोई कभी पॉलिटिशियन को इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है। कोई जो है इलेक्शन को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहा, हालांकि आपको पता है कि अभी इलेक्शन गुजरात आया और किस तरह की बातें होनी शुरू हो गई, कहीं और इलेक्शन हो रहा है तो किस तरह, उड़ीसा में हो रहा है तो किस तरह की बातें हो रही है। तो ये डायरेक्टली पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है इस तरह के जितने वायलेंस जितने टेररिज्म होते हैं, लेकिन लोग जो है अपने पॉलिटिशियन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे और बल्कि खुश हो रहे हैं। तो ये असल चीज है जिसको समझने की है, और खाते में किसके डालने, इस्लाम के और मौलवी होंगे जी। अच्छा, और हम तो इसीलिए व्हाट अबाउटरी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। अगर कोई और होता तो वो ये कहता कि भाई इस वक्त सैफरन टेरर भी बड़ा राइज पर है, हिंदुओं को फौरन कहता, हम नहीं कहते, हमें मालूम है कि कुछ ठीक है कुछ गलत है। मैंने सिर्फ आपकी जो डेफिनेशन थी भय पैदा करना उसके ताल्लुक से काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ आपने मुझसे पूछा कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए दहशतगर्दी की, तो दहशतगर्दी की डेफिनेशन ये है कि स्टेट एक लेजिटिमेट स्टेट के खिलाफ और उसके कॉन्स्टिट्यूशन और उसके लॉ के खिलाफ अगर आप आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे तो उसको टेररिज्म कहा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं लेजिटिमेट स्टेट, अब मिसाल के तौर पर इंडिया में आर्म्ड स्ट्रगल हुआ अंग्रेज के खिलाफ, तो हम उन लोगों को जिन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल किया कभी भी टेररिस्ट नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि जो ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया के ऊपर वो लेजिटिमेट नहीं था। अगर वो लेजिटिमेट होता तो वो सब लोग टेररिस्ट होते, लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं था लिहाजा वो सब लोग मुजाहिद आजादी हैं। सब तो लेकिन उस वक्त का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस वक्त इनको टेररिस्ट ही कहता था। हां, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको टेररिस्ट ही कहता था। ये बात बिल्कुल सही है। यही वजह है कि टेररिज्म की कोई भी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिवली एग्रीएबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिनको आप मुजाहिद आजादी कह रहे हैं दूसरे उनको टेररिस्ट कहेंगे, और जिनको दूसरे टेररिस्ट कह रहे हैं उनको आप मुजाहिद आजादी कहेंगे। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं, बलूचिस्तान में जो लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं पाकिस्तान उनको टेररिस्ट बोलता है, लेकिन बाय इंडियन स्टैंडर्ड वो टेररिस्ट नहीं है, वो आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि वो टेररिज्म को कहें या मुजाहिद आजादी कहें। और ये केस मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ आपको पता होगा आयरिश के अंदर जो या आयरलैंड के अंदर भी एक आम स्ट्रगल हुआ है यूके के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, तो उन सबको जो है वो टेररिस्ट कहा गया, लेकिन जब वो आजाद हो गया आयरलैंड अलग हो गया तो अब वो उनके बड़े लीडर है वो। तो ये टेररिज्म का जो ये है ना, ये मतलब देखिए टेररिज्म जस्टिफाइड नहीं है, टेरर जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, मासूम लोगों का कत्ल जस्टिफाइड नहीं है इस्लाम में, लेकिन जो टेररिज्म एक टर्म है और उसका एप्लीकेशन है उसके अंदर बहुत ग्रे सिनारियो आता है। ठीक है, कुछ के बारे में तो हम क्लियरली कह सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ भाई उसके टेररिस्ट होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारा टेररिज्म जो है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। अब मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है KKP, ठीक है, YKP नाम है उसका शायद, ये टर्की का ये है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका जो है उसको आम सप्लाई करता है, आम सप्लाई करता है, कुर्दिस्ट है, और टर्की बैठा हुआ है कि भाई तुम टेररिस्ट हो जी। तो एक कंट्री जो है इसको टेररिस्ट मान रहा है और दूसरा कंट्री जो है उसको आम सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी, चाहे वो ISIS हो, वो मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों के सपोर्ट के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं? अब आप देखो, अब ISIS है मसलन, ICC की मिसाल ले लो, उसके लड़ाकों के पास AK-47 और पता नहीं कैसे कैसे रॉकेट लॉन्चर, भाई कोई ऐसे तो है नहीं कि आप जो है परचून की दुकान से खरीद लो के ये सब हथियार। ये कोई ना कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो जिनके पीछे मुल्क हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आपको रूट कॉज को देखना पड़ेगा। करेक्ट सर, जैसे कि नक्सल्स को भी जिस तरह से प्रोवाइड कराया जाता है। हाँ, कोई ना कोई प्रोवाइड करा रहा है, ऑब्वियसली बात है, नक्सल्स कभी भी हथियार नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, कोई ना कोई पीछे ताकत है, उस ताकत का अपना इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि इंडिया में जो है कभी भी स्टेबिलिटी ना हो, लिहाजा नक्सल्स को आप जो है हथियार प्रोवाइड करते रहे ताकि जो इंडिया का वो इलाका है हमेशा वहां लोग मरते रहे। तो आप उसके पीछे देखेंगे कि कौन लोग हैं,
इसलिए मीडिया के जो नैरेटिव है ना उसको उसको आप आंख बंद करके एक्सेप्ट ना करें, बल्कि आप खुद देखें, खुद इन्वेस्टिगेट करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जी लर्नर साहब, और इन पे जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उनका ये फाइंडिंग है कि अगर कोई भी अटैक अगर मुस्लिम की तरफ से हो तो उसको जो है तकरीबन 400% ज्यादा कवर किया जाता है, क्योंकि वो सेंसेशनलिज्म होता है उसमें और वो बिकता है, उससे टीआरपी जो है बढ़ती है। तो ये इस्लामोफोबिया का और टेररिज्म का जो है ना एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है लर्नर साहब, आई होप के आपका टेररिज्म के हवाले से जो एक मिसकंसेप्शन है मुसलमान और इस्लाम को लेके वो इंशाल्लाह खत्म हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी, वेरी वेलकम।